हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अर्चना दुबे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे दिया ब्यूटी पार्लर एंड क्लासेस। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाती हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स, जिसमें आपको 0 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है और आप यहाँ पर मुझे सिर्फ फॉलो करते हैं, लाइक और शेयर करते हैं। आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो आज हम बात करते हैं, ये मेरा थर्ड वीडियो है, मैं आपको आप शेयर कर रही हूँ, आज ये थर्ड वीडियो मेरा। तो इसमें आपको आज मैं बताने वाली हूँ टेम्प्ररी आइनिंग क्या होती है या टेम्प्ररी स्ट्रेटनिंग क्या होती है। टेम्प्ररी मतलब कि आप इन केस आपको कहीं अर्जेंटली बाहर जाना है, आपके बाल बहुत फ्रिजी सी लग रहे हैं या फिर शाइन नहीं है बालों में, वॉल्यूम नहीं है बालों में, और आप बाहर जा रहे हैं और आपको अपना लुक चेंज करना है, या समटाइम किसी के बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर्स होते हैं और उनको उस टाइम पे उनके बालों का लुक या फेस का लुक उनको थोड़ा सा चेंज करना है। तो हमारी लुक चेंज करने में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा बाल। तो आज यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, आप सिंपली तरीके से अगर आपके पास फ्लैट आयरन है घर में तो आप कैसे अपना खुद का लुक चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं आपको मेरे बालों के ऊपर बताती हूँ। अभी आप मेरे बालों को देख सकते हो, मैंने मेरे बालों पर कुछ भी नहीं किया हुआ है, ये मेरे नेचुरल बाल हैं जो है मेरे। तो यहाँ पर मैंने किया हुआ है, मेरा स्टेप कट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, तो ये मेरा स्टेप दिख रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बालों को पार्टिंग कर लेंगे। बालों को पार्टिंग करने के बाद आपको इस तरीके से ये वाली कोम्ब आपको यूज़ करनी है, जो यहाँ से पतली है और यहाँ से मोटी है। इस तरह की कोम्ब लेंगे और आपको थोड़े थोड़े बालों को आपको निकाल लेने हैं। बट हाँ, रिमेंबर, आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो याद रखना है, इसमें आप लोगों को कोई भी किसी भी टाइप का ऑयल नहीं लगा होना चाहिए आपके हेयर में, या फिर आपके बाल गीले नहीं होने चाहिए। अगर इन केस ऐसा कुछ होता है, बाल गीले हैं, तो फिर उससे क्या होता है कि आपको करंट लगने का, शॉक लगने का बहुत बड़ा चांसेस होता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ बाल हेयर वॉश किया हुआ है या फिर मतलब आप करने जा रहे हो, तो उसके कुछ टाइम पहले आप हेयर वॉश करेंगे, बालों से पूरी ऑयलिंग आपकी निकली होनी चाहिए, और फिर उसके बाद आप बालों को ड्राई कर लेंगे ड्रायर से, उसके बाद फिर आपको फ्लैट आयरन यूज़ करना है। ये मेरे पास चौबा का है फ्लैट आयरन, तो इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही मैंने 180 का टेम्परेचर मैंने सेट कर दिया था। तो ये लास्ट मेरा जाता है 220 तक, इसका टेम्परेचर जाता है, ये घटता और बढ़ता रहता है। यहाँ पे प्रेस बटन है जिससे घटता और बढ़ता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अभी 170 हो गया, फिर मैं कम करूँगी तो ये 160 हो गया। तो इस तरीके से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। कभी भी आप अगर घर में भी करते हैं, अभी ये मेरे पास आपको चौबा का है मेरा फ्लैट आयरन, तो ये मैं मेरे पार्लर में भी यूज़ करती हूँ, और इन केस मुझे जब कहीं बाहर जाना होता है तो मैं क्या करती हूँ, मेरे खुद के बालों पे मैं अपने हाथों से ही आयनिंग करती हूँ। तो यहाँ पे आप अगर बालों को पिन नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको लेना है आयन फ्लैट आयरन को, और इस तरीके से आपको अपने हाथों में पकड़ना है। ये आपका एक हाथ यहाँ पे आना चाहिए और दूसरा हाथ यहाँ पे थंब रहना चाहिए। फिर धीरे से आपको अपने रूट में एकदम नहीं टच करना है और आपके आपको फोरहेड में नहीं टच करना है, और धीरे 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 करके आपको नीचे लेके आना है। धीरे धीरे जब आप नीचे लेके आएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके बाल आप देख सकते हो धीरे 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 ये स्ट्रेट होगा। फिर आपको आपकी कोम की मदद से वापस वो हेयर लेने हैं और फिर से आपको धीरे 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 स्लोली 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 आपको वापस से नीचे लेके आना है। अब आप देखो इतने से बालों के डिफरेंस देखो आप लोग। फिर आपको यहाँ से वापस से दूसरे बाल निकालने हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना मोटा और पतला सेक्शन लेते हैं। फिर आपको धीरे 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 करके वापस से नीचे की तरफ खींचना है। अभी आप मेरे इस तरफ के बालों में और इस तरफ के बालों में आप मेरे डिफरेंस देखिए। सी, इस तरफ के बाल मेरे कम शाइनी दिख रहे हैं और यहाँ से कल कल से दिख रहे हैं, बट इस तरफ के बाल मेरे, मैंने जहाँ तक स्ट्रेट किए हुए हैं वहाँ तक कितने अच्छे दिख रहे हैं। इवन मेरे बाल बीच से मिडल से थोड़े पके हुए हैं, तो मैंने मेहंदी भी पहले अप्लाई की हुई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मेहंदी अप्लाई की हुई है तो उसमें
वो भी दिखते हैं, उठ के दिखते हैं। तो आपको ऐसे ही धीरे धीरे इस साइड का भी हम करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये आपका डेमो वीडियो है, तो मैं आपको पूरा नहीं दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने पूरे बालों में करती हूँ। समटाइम आपको अपने ही बालों में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है करने में, इसलिए तकलीफ़ होती है कि आप अपने बालों की नॉर्मल आप जब कस्टमर के बालों पे करते हो तो आपको बैक साइड से स्टार्ट करना होता है बालों की पार्टिंग लेने के। बट यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम अपने खुद के बालों पे करते हैं, तो हम बालों की पार्टिंग तो नहीं कर पाते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपने बालों के ही पतले पतले या अपने हिसाब के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, सेक्शन निकालेंगे और उसके बाद हम स्ट्रेटनिंग करने वाले हैं। तो अभी देखो मैं आगे का करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, आपको इस तरीके से लेना है, फिर से धीरे धीरे एकदम स्लोली स्लोली आपको करना है, फिर आपको उस पर कोम भी लगाते जाना है। किसी किसी के बाल बहुत ज़्यादा कर्ल होते हैं तो उसमें और टाइम लगेगा, तो आपको टाइम के ये इसमें फिक्स कोई टाइमिंग नहीं है कि आपका इतने टाइम में हो जाएगा आयरनिंग करके। आपको आधा घंटा भी लग सकता है, आपको एक घंटा भी लग सकता है, इवन आपको दो घंटे भी लग सकते हैं, आपके बालों के ऊपर है। और अगर आपकी कोई हेल्प करने वाला है जिसके थ्रू आप अपनी आयरनिंग कराते हो, तो मैं आपको अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगी जिसमें आप कस्टमर का कैसे करते हैं आयरन, और फिर उसके बाद आप या तो फिर मतलब घर में कोई भी है उनके ऊपर आप सीखिए, पहले आप दूसरे के ऊपर ट्राई करिए, बाद में अपने बालों पर भी आप कर सकते हैं। और अगर आप अपने बालों पर से भी स्टार्ट करते हैं तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको फ्लैट आयरन किस तरीके से खींचना है, क्या करना है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर वापस से ये मेरा थोड़ा सा बंद हो गया था हीट, तो देखो मैंने वापस से स्टार्ट किया तो ये धीरे धीरे देखो इसका टेम्परेचर अपने आप बढ़ते जा रहा है। 80 हुआ, 90 हुआ, अभी ये 100 हो गया। तो जब आप ऑन करेंगे तो ये धीरे धीरे ना जैसे जैसे हीट होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग में अपना टेम्परेचर वो सेट करते जाएगा। फिर आपको लगता है जब कि हाँ ये टेम्परेचर में मेरे बाल अच्छे से स्ट्रेट हो जाएंगे, तो आप 220 में, लास्ट 220 तक का टेम्परेचर है इसमें, तो आप क्या कर सकते हो कि आप 220 में अगर करते हो तो आपको बहुत केयरफुली करना है, नहीं तो आप 150 तक करके अपने बालों पे करिए, ट्राई करिए, सीखिए पहले, फिर उसके बाद आप और भी उसके टेम्परेचर सेट करके आगे और भी बढ़ा के आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और हल्का सा आपको फेस पे ना हीट लगता है जब आप करते हो, तो हल्का सा जब आप बालों को नीचे करते हो, देखिए, तो आपको ना ये होने के बाद है ना ये बाल बहुत गरम गरम से होते हैं, तो ये आपको थोड़े से फेस पे हल्का हल्का सा हीट महसूस होता है, बट वो आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं है, आपको बस करते रहना है इस तरीके से। अभी ये नीचे के बाल है ना मेरे स्ट्रेट हैं, बट ये मैंने कट किया हुआ है, मेरा स्टेप कट है, जिसकी वजह से ये देखिए कैसा दिख रहा है, ऊपर नीचे दिख रहा है। ये देखिए यहाँ से कम है, यहाँ से लंबा है, तो ये स्टेप कट करने की वजह से आपको दिखेगा। अदरवाइज़ आप अगर आपके एकदम स्ट्रेट हेयर है या फिर एकदम कर्ली हेयर है और आपने कोई भी कट कराया हुआ है, तो आप जब आयरनिंग करते हो तो आपको पहली बार में ही पता चलता है। तो आपको स्लोली स्लोली अपने हाथों से करना है और आपको हल्का सा अपने नीचे, और ये है ना प्रेस भी करना है, थोड़ा सा आपको हल्का सा ताकत लगा के प्रेस करना होता है, मतलब आपने ऐसा लगाया और धीरे से ऐसा खींचा ना तो नहीं स्ट्रेट होने वाला है वो। आपको लेना है बालों को और थोड़ा सा प्रेस, हल्का सा ताकत लगा के आपको नीचे की तरफ धीरे 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 खींचना है, फिर आप थोड़ा होने के बाद आप कोम लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको अपने पूरे बालों पे करके दिखाती हूँ कि कैसा आता है, जितना तक मुझे सामने से दिख रहा है, बाकी का जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे अपने आप अपने बालों पे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं जब आपको क्लाइंट के ऊपर बताऊँगी या फिर जो मेरे स्टूडेंट हैं मैं उनके ऊपर जब आपको ये सिखाऊँगी और उनको भी सिखाऊँगी
तो फिर आप देखना एकदम परफेक्ट आता है। उनका हम सेक्शन वाइज करेंगे, जैसे हम बालों को पहले पिनअप करेंगे, उसके बाद हम पिनअप के बाद बालों को तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, और उसके बाद हम पतले पतले सेक्शन लेके खींचते जाएंगे नीचे की तरफ। तो आप है ना, कभी भी जब आप आइनिंग मशीन लेते हो आप, तो आपको कभी भी अच्छी ब्रांड का देख के लेना है, और उसमें जो भी उसका वॉट है वो चेक करके लेना है। आप कभी भी लेते हो तो शॉप से अगर ले रहे हो आप, तो वहाँ पे आपको उसको प्लग लगा के आपको खुद को थोड़ा सा करके देखना है, और उसके बाद आपको लेना है। तो अभी आप देखिए कितना शाइन आया है मेरे बालों में, देखिए। ये सिर्फ आयन करने से, इसके पहले मैंने और कुछ भी नहीं किया हुआ है मेरे हेयर में, ना फिर मैंने कोई सीरम लगाया हुआ है, ना मैंने कोई ट्रीटमेंट लिया हुआ है हेयर का, कुछ भी नहीं। नॉर्मल मैं शैम्पू से वॉश करी थी, वो भी मैंने कल ही वॉश किया था, आज मैंने वॉश नहीं किया हुआ है, तो मैं कल ही वॉश करी थी। तो आप देख सकते हो डिफरेंस, मैंने दोनों साइड का फ्रंट का किया है, और इस तरफ मैंने अच्छे से नहीं किया है, सिर्फ इस तरफ मैंने ज़्यादा किया है आयन। तो आप देखो, फिर उसके बाद आप कहीं पार्टी में जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो आप सिर्फ अपने बालों की पार्टिंग चेंज कर लीजिए, और ये देखो कितना अच्छा लुक आता है आपका। आपका मतलब पूरा फेस ही चेंज हो जाता है, आपका फेस का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है जब आप बालों को आयरन करते हो। और बाल इतने अच्छे और सॉफ्ट हो जाते हैं ना, मतलब इतना अच्छा वॉल्यूम आता है ना बालों में, देखिए शाइन आता है, नेचुरल शाइन आती है बालों में, तो वो इतने अच्छे लगते हैं ना कि आपको लगता है कि हाँ बार बार आप अपने बालों को ही टच करते रहो, यार बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो प्लीज़ आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए और भी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो ऐसे बनाते रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। यहाँ पे आपको एक रुपये भी देने नहीं है, आप लाइव ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रहे हो, ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रहे हो, तो थोड़ा सा तो इंटेंशन देना बनता है ना यार। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, देखिए आप पास से भी देख लीजिए। फिर मैं आपको हेयर स्पा की वीडियो भी बनाने वाली हूँ, मैं हर चीज़ का वीडियो आपको बना बना के शेयर करने वाली हूँ, बस आप मेरे वीडियोस को देखिए प्लीज़। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।